Assalamualaikum और ReviewsPK में खुश आमदीद। मेरा नाम अमीर है और हम आज आपको लाए हैं GFXMentor के स्टूडियो में। Assalamualaikum, मेरा नाम इमरान अली डिना है और मेरा एक यूट्यूब चैनल है GFXMentor। कई सारे लोग उस पर ग्राफिक डिजाइनिंग सीख चुके हैं और अब तक माशाल्लाह से 4 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं। दिन में इमरान अली डिना एक टीचर हैं, इकरा यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और शाम में एक यूट्यूबर यानी कि GFXMentor हैं और माशाल्लाह एक सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं और इनका कंटेंट ग्राफिकल इफेक्ट्स के ट्यूटोरियल्स हैं जहां वो अपने व्यूअर्स को Adobe After Effects, प्रीमियर प्रो, Illustrator और फोटोशॉप यूज़ करना सिखाते हैं। GFXMentor की वीडियोस का लेआउट सिंपल लेकिन इफेक्टिव है। इसमें एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है जिसमें व्यूअर्स सॉफ्टवेयर को यूज़ होता हुआ देख सकते हैं, साथ में एक वीडियो रिकॉर्डिंग इमरान भाई के चेहरे की होती है ताकि व्यूअर्स उन्हें देख सकें, और इसके साथ ऑडियो होती है जिसे एक एक्सटर्नल माइक से रिकॉर्ड किया जाता है। और इस सब को अचीव करने के लिए इमरान भाई ने ये बैटल स्टेशन जैसा दिखता हुआ सेटअप बनाया है जिसका मेन मकसद है कि सेटअप टाइम को 0 रखा जाए और प्रोडक्शन प्रोसेस को एफिशिएंट बनाया जाए। दोस्तों, इस वीडियो के साथ मैं एक ब्लूटूथ स्पीकर गिव अवे कर रहा हूं, लेकिन इसकी डिटेल्स मैं आपको दूंगा वीडियो में आगे चल के। तो शुरू करते हैं GFXMentor का स्टूडियो टूर और आपको दिखाते हैं कि पर्दे के पीछे आखिर है क्या। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। रूम में आते ही आपकी नज़र पड़ती है इस कंक्रीट लैंप पे। इमरान अली डिना का स्टूडियो इन्हें कराची में अपने अपार्टमेंट के एक कमरे में बनाया है जहां सामने मेन रोड से ट्रैफिक का बहुत शोर आता है। और ये रहा GFXMentor का डेस्क सेटअप जो कि एक ड्यूअल मॉनिटर सेटअप है। शुरू करेंगे लैपटॉप से। लैपटॉप जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो HP Omen है, गेमिंग सीरीज़ है HP की। क्यों लिया है? क्योंकि जो मेरा काम होता है लाइक वीडियो एंड ग्राफिक्स में, तो उसमें गेमिंग जो लैपटॉप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट रहते हैं। डेस्कटॉप मुझे पसंद नहीं आते, इसलिए लैपटॉप। और जो ये लैपटॉप है इट्स कोर i7 एंड 7th generation, 16 GB रैम है और NVIDIA के ग्राफिक कार्ड्स है 1050 Ti। गेमिंग लैपटॉप्स भी वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं क्योंकि एडिटिंग मशीन्स में आपको एक पावरफुल प्रोसेसर चाहिए होता है, साथ में एक तगड़ा ग्राफिक्स कार्ड और अच्छी रैम, और ये सारी चीज़ें इमरान भाई के HP Omen में मौजूद हैं। साथ में कीबोर्ड और माउस दोनों Logitech के हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इन सारी चीज़ों को लिस्ट कर दूंगा। अगर स्पीकर्स पे आए तो कोई ज़्यादा फैंसी नहीं, एडिफायर के छोटे डेस्कटॉप स्पीकर्स हैं जिनके साथ एक गूगल होम मिनी पड़ा है जिसे इमरान भाई ने इस पूरे सिस्टम के साथ कन्फिगर किया है, तो अपने वॉइस से इमरान भाई लाइट्स और कैमरा को कंट्रोल कर सकते हैं। और बराबर में हैं ये हेडफोन्स जिन्हें इस मेकशिफ्ट स्टैंड पर रखा हुआ है। और अगर सेटअप के राइट साइड में आए तो यहाँ इमरान भाई ने एक ऐसी चीज़ रखी है जो कि हर ग्राफिक डिज़ाइनर का एक मेन और बेसिक टूल है, यानी कि Wacom टैबलेट। और साथ में है इनका सेकेंडरी मॉनिटर जिस पे ये एडिटिंग करते हुए वीडियो का आउटपुट मॉनिटर करते हैं। और अगर बात करें इस डेस्क की तो ये इमरान भाई ने एक लोकल कारपेंटर से बनवाई है और इसमें बिल्ट इन केबल मैनेजमेंट भी मौजूद है। तो अब चेक करते हैं इमरान भाई का लाइटिंग सेटअप। सो जो ये लाइट के पैनल्स हैं ये सॉफ्ट लाइट है, एग्जैक्टली इस वक्त मुझे इसका नाम वाम याद नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें आप उसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हैं। प्लस इसके स्टैंड जो है वो मैंने खुद बना करके अपनी डेस्क पर लगाए थे क्योंकि मेरे पास रूम में इतनी जगह नहीं थी कि मैं स्टैंड अलग से लगाऊँ। डेस्क मेरी बिल्कुल कॉर्नर पर लगी हुई है, सो मैंने उसी के साथ क्लैंप्स लगा करके उसके अंदर दो डंडे खड़े कर दिए और लाइट्स उसमें फिक्स कर दी। इन लाइट्स में ये है कि है तो एक तरफ की मैं थोड़ी सी हाई इंटेंसिटी रखता हूँ और एक तरफ की थोड़ी सी लो इंटेंसिटी रखता हूँ। सही होता है कि एक से फिल हो जाता है, एक से की लाइट हो जाती है। डेस्क के पीछे जो कलरफुल सी लाइट्स हैं ये RGB लाइट्स हैं और ये इंडिविजुअल एड्रेसेबल लाइट्स हैं। प्लस इसके साथ जो कंट्रोलर लगाया हुआ है साउंड सेंसिटिव है, तो दैट मीन्स कि अगर मैं म्यूज़िक के साथ भी चलाना चाहूँ तो ये म्यूज़िक के साथ स्पेक्ट्रम वाला जो काम होता है वो भी कर रही होती है। अब इमरान भाई से पूछते हैं कि वो कैमरा कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। कैमरा जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो कैनन का 800D है। ये थोड़ा एंट्री लेवल कैमरा है बट वीडियो की क्वालिटी में बहुत अच्छा है और मुझे बस इसलिए चाहिए था कि मैं वीडियो जो है वो मेरी थोड़ी सी शार्प आए, क्लियर है। सोनी वगैरह की तरफ प्लान है फ्यूचर में, थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ रहे थे बट थोड़ा बजट में रहते हुए भी अच्छा रिजल्ट दे रहा है कैमरा, सो इट इज़ गुड। थोड़ी बहुत फोटोग्राफी का भी शौक है तो वो भी पूरा हो जाता है कभी कभार, और ये वीडियोस के लिए भी बहुत एक्सेलेंट है। प्लस मैंने उसको अपने लैपटॉप के साथ हुकअप किया हुआ है तो वो सब कुछ ऑटोमेटिकली चल रहा होता है। ये आपका पहला कैमरा? नहीं, मेरे पास पहले जो था कैमरा 500D था, उसमें वीडियो की कैपेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी। वो पहला कैमरा था जिसमें वीडियो आई थी एंड उससे पहले जो मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था मैं अपने iPhone 6 पर शूट कर रहा होता था। इमरान भाई आप माइक कौन सा यूज़ कर रहे हैं?
माइक मैंने यार बहुत सारे बदले हैं, जिसमें रोड का वीडियो माइक्रो स्टार्ट में लिया था, फिर बोया का BY-M1 जो कॉलर वाला माइक होता है वो यूज़ किया, फिर उसके बाद ब्लू येटी पर आया, और अब आजकल सैमसन Q2U पर हूँ। ये बहुत एक्सीलेंट डायनेमिक माइक है, मेरे एनवायरनमेंट में ज़रा सा शोर ज़्यादा होता है। खासियत ये है कि बहुत मुंह के क्लोज रख के हम जो भी बात करते हैं बाहर की आवाज़ें हैं वो थोड़ा सा इग्नोर कर लेता है। दूसरी अच्छी बात ये कि ये USB वाला माइक है, तो मुझे एक्स्ट्रा इंटरफेस ऑडियो इंटरफेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, आपने ब्लू येटी भी रखा है, उसकी क्या वजह है? ब्लू येटी यार मसला ये है कि कई मरतबा जिस तरह से आप मेरे चैनल पर अब आए हो, हम दो लोग बैठ कर के बात करेंगे तो डायनेमिक माइक उसमें काम नहीं करेगा, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा मुंह के करीब रख के बात करनी पड़ती है। अब दो लोगों के लिए मुझे एक थोड़ा सा सेंसिटिव कंडेंसर माइक चाहिए था, ब्लू येटी ऑलरेडी मेरे पास था तो मैंने कहा क्यों नहीं। सो ब्लू येटी की खास बात यह कि यार बहुत सेंसिटिव है, वो थोड़ी सी दूर से भी आवाज़ को पिक कर लेता है, विच इज़ गुड, और अगर एक दो लोग होते हैं इस जगह पर बैठे हुए बात कर रहे होते हैं तो वो उनके लिए बीच में रख दें, वो ज़्यादा अच्छी आवाज़ आ रही होती है। बहुत एक्सेलेंट माइक है, सिर्फ उस जगह के लिए जहाँ पर शोर ना हो। और ये जो इमरान भाई ने दो लोगों वाली बात की है, तो हमने भी इनके चैनल के लिए एक चिट चैट सेशन लगाया, उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा, हमारे काफ़ी सारे जो व्यूअर्स हैं वो उनके अपने यूट्यूब चैनल्स हैं, तो बडिंग यूट्यूबर्स को आप क्या मैसेज देंगे? क्योंकि बडिंग यूट्यूबर्स बोलते हैं कि भाई आपने तो इतना ज़बरदस्त स्टूडियो बनाया हुआ है, इतना खर्चा लाखों रुपए का किया हुआ है इमरान भाई ने, हम कैसे इसको अफोर्ड करें, हम कैसे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें? बिल्कुल भी एक पैसे का खर्चा नहीं करना अगर यूट्यूब चैनल आपने स्टार्ट करना है। मैं सजेस्ट ये करूँगा कि यार जो है आपके पास उससे स्टार्ट लें। मैंने भी अपने चैनल पर जब स्टार्ट लिया था तो आई जस्ट हैड वन फ़ोन, आईफोन, और माइक्रोफोन, आप कॉलर माइक ले लें, बोया के M1 BY-M1 बहुत एक्सेलेंट माइक है, सही है। उसके अलावा आपके पास कंप्यूटर तो होगा अगर आप यूट्यूब पे आना सोच रहे हैं। बाकी लाइट्स का मैंने ये जुगाड़ लगाई थी कि जो फ्लड लाइट्स होती हैं वो मैंने स्टैंड्स पर लगा दी थी समहा, और उसके आगे अम्ब्रेलास फिट कर दी थी तो वो सॉफ्ट हो गई थी। ये जो स्टूडियो आपने देखा ये बहुत अरसे लाइक 3 लाख सब्सक्राइबर्स के बाद हुआ है मेरा, तो उससे पहले तक के मैं बहुत हल्की फुल्की चीज़ों पर कर रहा था। अगर आप मेरे चैनल पर जाएँ तो वो सारे आपको देखने को मिलेगा, मेरा पहला स्टूडियो क्या था, फिर क्या हुआ। एंड ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में खर्चा कर लेंगे और खुदा ना खासा आपका चैनल नहीं चला तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आपका नुकसान भी होगा। सो बेहतर है कि जो है उसे स्टार्ट करें। याद रखिएगा यूट्यूब पे इक्विपमेंट की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितना आपके कॉन्टेंट की है। अगर आपका कॉन्टेंट में जान है तो आप अपने सिर्फ फ़ोन से ही आगे बढ़ जाएंगे, और बाद में फिर पैसा आता रहेगा, चीज़ें बनाते रहना यार। अब बात कर लेते हैं गिव अवे की। तो मैं एक हुआवे का ब्लूटूथ स्पीकर गिव अवे कर रहा हूँ। गिव अवे में हिस्सा लेना बहुत आसान है, बस आप चैनल पर सब्सक्राइब करें और वीडियो पे एक कमेंट छोड़ दें, मैं कोई भी एक कमेंट रैंडमली चूज करके विनर अनाउंस कर दूंगा। तो ये था इमरान भाई AKA GFXMentor का स्टूडियो, और इनके स्टूडियो की सबसे पहली चीज़ जिसने मुझे बहुत मुतासर किया वो है एफिशिएंसी। एक छोटी सी ही स्पेस में इमरान भाई ने वो सारी चीज़ें सेटअप कर दी हैं जो उन्हें दरकार हैं, और रिकॉर्ड करने के लिए उनका सेटअप टाइम बहुत ही कम है। ओवरऑल इमरान भाई का सेटअप मुझे बहुत ही क्रिएटिव भी लगा, और उनकी DIY यानी कि डू इट योरसेल्फ मेंटालिटी भी मुझे पसंद आई, और ये बात साबित करती है कि आप काफ़ी चीज़ें खुद करके अपने पैसे सेव कर सकते हैं। मैं इस स्टूडियो टूर की कुछ इमेजेस अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर करूंगा, तो अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हो तो ReviewsPK को फॉलो करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो पे लाइक देना ना भूलिएगा, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।